जय हिंद वंदे मातरम। साथियों बात करेंगे प्रतिदिन तरह आज की अपडेट की और जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों बात करते हैं सबसे पहले जो आज की अपडेट है उसके बारे में। साथियों यदि आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीपीएड, एमपीएड, एलएलएम या एमएड में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक बार फिर से आपको मौका दिया गया है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट थी वो पहले बढ़ाई गई थी, 25 तारीख उसकी लास्ट डेट थी 25 मई तक। लेकिन बच्चों के हित को देखते हुए और आपका जो बच्चे काफी सारी डिमांड आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से ओपन किए जाए, तो यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो यदि आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो पोर्टल है फिर से एक बार ओपन कर दिया गया है। अब आप 5 जून से और 10 जून तक अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद में फिर आपका मेरिट आएगी, उसके बाद में आपका फिर एडमिशन होगा। तो यानी कि यदि आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, जो आपका यूजी में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगी, तो साथियों अभी बहुत टाइम है, पहली मेरिट लिस्ट जो जारी होगी उसके लिए आपको मान के चलिए 20 तारीख के आसपास तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बच्चे पूछ रहे हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, तो अभी साथियों कोई ऑफिशियल लास्ट डेट नहीं है। अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जब तक रजिस्ट्रेशन की जो मेरिट लिस्ट आएगी तब तक आपके रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे, यानी कि 20-22 तारीख तक अभी रजिस्ट्रेशन चलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में भी पोर्टल ओपन होता है, जो आपके कंपार्टमेंट के बच्चे रिजल्ट के लिए अपना वेट करेंगे तो उनके बाद में भी आपका पोर्टल ओपन किया जाता है। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अभी परेशान ना हो, रजिस्ट्रेशन अभी लंबे समय तक ओपन रहेंगे। इससे आगे बात करें साथियों, पीजी वाले बच्चे परेशान हैं कि पीजी के रजिस्ट्रेशन, तो पीजी के लिए भी आप परेशान ना हो। पीजी के लिए जब तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा, और अभी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है पीजी के लिए तो पोर्टल पर समस्या चल रही है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। बच्चे पूछ रहे हैं सर एलएलबी के लिए पोर्टल, तो एलएलबी के लिए जो पोर्टल है वो बहुत जल्द ओपन होने वाला है, हो सकता है आपका 10 से 15 तारीख के आसपास में आपका पोर्टल ओपन हो जाए। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।